हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके आगमन के इंतजारी में हैं। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो जरूर आपके मन में ये होगा कि एक दिन यीशु मसीह संसार में आएंगे और वो आकर आपको लेकर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी की यही आशा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जा सके। लेकिन क्या हर वो विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है स्वर्ग जाएगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर? अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो कोई अपने मुंह से सिर्फ यीशु करके, अपने प्रभु करके उसको अंगीकार कर लेता है प्रभु यीशु मसीह को, जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति स्वर्ग में जाए, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो नाम के मसीह बन गए हैं, नामधारी मसीह हो गए हैं। वो कहने के लिए चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन आत्मिकता का जीवन नहीं है और ना ही वो उस दिन के लिए तैयार है जब यीशु मसीह जगत में आएंगे। देखिए मेरे प्रियो, आप और हम और कोई भी संसार में कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस दिन होगा, किस समय होगा। हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो अचानक से आएंगे और जो लोग विश्वास में होंगे उन्हीं लोगों को वो अपने साथ बादलों पर उठा लेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज के दिन आप इन बातों पर ध्यान करें, गौर करें, क्योंकि जो हम बाइबल के अनुसार जो चिन्ह देख रहे हैं उसके अनुसार हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो बहुत ही शीघ्र होने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए समय ना गवाएं। अगर आज आप तैयार नहीं हैं और अगर कल यीशु मसीह का आगमन हो जाता है तो आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। भले ही आप हर संडे को चर्च जाते हो, आप बड़े बड़े कलीसियाओं में जाते हो, बड़े बड़े पास्टर का प्रचार सुनते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप तैयार नहीं हो तो आप यीशु के संग उसके दूसरे आगमन पर नहीं जाने वाले हो। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं बाइबल के वचनों से, उनको जरूर आप अपने जीवन में परखिएगा, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। आज मैं कुछ वचनों को लेकर आया हूं और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 34। देखिए यहां पर लिखा है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हारा मन ऐसा ना हो, कुमार में ना घूमने लगे, अपने दुनिया भर की चिंताओं में अगर तुम्हारा मन लग जाएगा और प्रभु के बातों में अगर तुम्हारा मन नहीं है तो अचानक से वो दिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन आपके ऊपर अचानक से आ पड़ेगा और आप सोचते भी नहीं हो तब यीशु मसीह आ जाएगा। फिर आपको पछताने और रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि सावधान रहो, तुम्हारा मन जो है वो चिंताओं में ना फंस जाए, खुमार में ना फंस जाए, मतवालेपन में ना रहो, खाने पीने में मौज मस्ती करने में मत रहो। एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते आपको और हमें अपने जीवन को रोज परखना चाहिए, रोज वचन के अनुसार देखना चाहिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम गलत रीति से चल रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है इन वचनों के आधारित अपने जीवन को जरूर जांचें। और 35 आयत में लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा, अचानक से आ पड़ेगा। कोई नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, खुद यीशु मसीह को भी नहीं मालूम। इसीलिए आप यह मत सोचिएगा कि 2000 साल से तो यीशु मसीह आए नहीं है, आने वाले 2000 साल और नहीं आएंगे। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को समझते हो तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के आने से पहले जो चिन्हों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था वो कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आज के समय में पूरी हो रही है और बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन होगा। हो सकता है कि हमारे जीते जी, हमारी पीढ़ी में यीशु मसीह का आगमन हो जाए। इसीलिए हमारे जीते जी अगर आगमन नहीं भी होता है तो भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद भी अगर हम पवित्र नहीं है, मृत्यु के समय तक अगर हम पवित्र नहीं है तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे हम उसके संग कब्र में से जिंदा नहीं होंगे। इसीलिए चाहे आप जिंदा हो या मर जाएं, लेकिन याद रखिए कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, तभी आप मुर्दों में से जी उठोगे या फिर आपका रूपांतरण होगा। यीशु मसीह के आगमन के बारे में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और वचन 36 को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा। लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता।
कौन नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ना ही स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही यीशु मसीह खुद जानते हैं कि वो दूसरा आगमन उनका कब होगा। कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर जानते, इसलिए किसी को परमेश्वर अभी तक बताया नहीं है। वो अचानक से परमेश्वर यीशु मसीह को भेज देंगे, और जिस समय यीशु मसीह संसार में आएंगे, क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार हैं? आज अपने जीवन को देखिए, क्या आप एक चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं और नशा करते हैं? आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद भी आप गाली गलौज कर रहे हैं? आप चर्च जाने वाले व्यक्ति, उसके बाद भी आप किसी की चुगली कर रहे हैं? आप चर्च जाने वाले व्यक्ति होने के बाद भी आपके मन में तमाम प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हैं? अगर ये सब हैं आपके अंदर, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र करिए। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र होने वाला है, और उससे पहले अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जाओगे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कई बार हमारे जीवन में कमी घटी आती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया था कि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे एक नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और 36 आयत को हम पढ़ते ही, लूका 21 का 36 में लिखा है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। निरंतर प्रार्थना करते रहो, अपने आप को तैयार रखो, प्रार्थना में लगे रहो, और आने वाली घटनाओं से बचने के लिए इन सबको करना जरूरी है। क्योंकि जो यीशु मसीह का आगमन होगा, ऐसी घटना होगी कि पूरी दुनिया यीशु के दूसरे आगमन को देखेगी। उस समय तैयार रहना होगा। हमारे जीवनों में जब हम इस संसार में हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, और इन बीमारियों मुसीबतों में पड़कर कई बार विश्वासी लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी के जीवन में जब बीमारी आ गई, उसने प्रार्थना किया, उसके जीवन में बीमारी से उसको चंगाई नहीं मिला, और उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप तो मुझे चंगा नहीं करते, मुझे आपके पास रह के कोई फायदा ही नहीं है, और वो यीशु को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई जरूर मिलती है, लेकिन यीशु मसीह जगत में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह हमें उद्धार देना चाहते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी, और उस आत्मा को जाने के लिए दो जगह है, या फिर वो स्वर्ग में जाएगा या फिर वो नरक में जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को बचाने के लिए वचन के अनुसार चलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, और जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, वो अनंत काल के नरक में जलाया जाएगा। इसीलिए डिसाइड आपको करना है, देखना आपको है कि आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं। क्या आप यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब यीशु मसीह संसार में आएंगे और अचानक से आकर ये सारी चीज़ों को जो आपके जीवन में है उसका प्रतिफल आपको देंगे? अगर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 आयत को पढ़ते तो लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह का दिन था जल प्रलय से पहले, वैसे ही अचानक से जैसे जल प्रलय आया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह का आना भी होगा। और नूह के समय में क्या होता था? 38 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया, जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ गया, तब तक लोग मौज मस्ती कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, शादी पार्टी कर रहे थे, जो मन में आए वो कर रहे थे, तमाम पाप में जीवन जी रहे थे। और अचानक से एक समय आया जब जल प्रलय आ गया, और लोगों को मन फिराने का समय नहीं मिला, लोग बच नहीं पाए, सबके सब खत्म हो गए। नूह के परिवार को छोड़कर कोई भी इस संसार में जीवित नहीं रहा, सब मर गए। और प्रभु यहाँ पर कहता, उसी प्रकार से मेरे दूसरा आगमन भी होगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होगा। जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते थे, आज भी देखिए मसीह लोग जिन्हें तैयारी करना चाहिए, जिन्हें यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, वो शादी पार्टियों में मगन हो रहे हैं, वो डीजे में डांस कर रहे हैं, वो इधर उधर की मस्ती वाले काम कर रहे हैं, वो व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, वो इधर उधर की फिल्मों को देखते हुए घूम रहे हैं, वो संसार की हर एक बातों को कर रहे हैं जो वचन के अनुसार अनुचित है। और एक दिन मेरे प्रिय याद रखना, इन सबके वजह से आपका जीवन अनंत काल की नरक की ओर जा रहा है। समय अभी है, चेतावनी अभी आपको मिल रही है, वचन के अनुसार अपने आप को परखिए, बदलिए, और अपने आप को जागते हुए बनाइए। जागते रहो कि वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान ना पड़े, क्योंकि जगत में जो लोग हैं उनके ऊपर वो दिन फंदे के समान आ पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में अगर वो दिन फंदे के समान आता है, तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अगर हम अनंत काल के नरक में चले जाएंगे, तो फिर हमारे इस विश्वासी जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा आप इतने कष्टों को लेकर इस संसार में जी रहे हो? क्या फायदा इतनी बीमारियों के वजह से आप जी रहे हो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास
करने के कारण सताए जा रहे हो, अगर आपका अनंत काल का जीवन नरक में बीतेगा तो फिर यहाँ के मेहनत करके आपको क्या प्रतिफल मिला मेरे प्रियो। इसलिए एक बार सोचिएगा कि जो मेहनत आप कर रहे हो, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आप निंदा सह रहे हो, अपने लोगों की बुराइयों को सुन रहे हो, ताने सुन रहे हो, अगर उस दिन यीशु मसीह के आगमन पर आप नहीं गए तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इन वचनों के अनुसार सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन को वचन के अनुसार परखे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। और जो जो वचन के अनुसार नहीं चलता है उसमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग नहीं जाने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को देखकर अपने मन को जरूर फिराइएगा। अगर दुनिया के पाप में आप जी रहे हैं, अगर सांसारिक बातों में मन लगाए हुए हैं, तो याद रखिए आपका अंत अनंत काल के नरक में होगा। और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको एक नया जीवन फिर से देंगे और उसमें बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते रहेंगे।